TFWS, ये क्या होता है? क्या आपको पता है कि when you are seeking admission to engineering, जब आप engineering में admission लेना चाहते हो, तो आपके पास ये option है कि आप आपके जो भी कॉलेज की फी है या जिसको ट्यूशन फी बोला जाता है, यू कैन गेट दैट वेव्ड ऑफ, यानी आप कॉलेज को कोई भी ट्यूशन फी नहीं पे करोगे। और यही स्कीम है TFWS, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो अपने एडमिशन के प्रोसेस में TFWS के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो कैसे करते हैं, उसके कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल द डिटेल्स अबाउट TFWS। सो हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू गो अबाउट द TFWS स्कीम? अब सबसे पहले ये स्कीम को समझ लेते हैं। Now, first and foremost, understand this, that these seats shall be filled by the competent authority. इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका पूरा admission process is being conducted via CAP, centralized admission process, ये seats उसी के through fill की जा सकती हैं। मतलब ये कि you cannot approach the college directly to allot these seats for you, या college cannot allot these seats directly. आपके सारे institutes which are recognized by All India Council for Technical Education, या जिसको AICTE के नाम से आप जानते हो, सभी में ये सारी सीट्स अवेलेबल होती है। बट कितनी सीट्स अवेलेबल होती है? Now, seats up to a maximum of 5% of the sanctioned intake per course. इसका मतलब क्या? मान लीजिए एक कॉलेज है, उसमें से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 60 सीट्स है, तो 60 का 5% हो गया 3, तो उस कॉलेज में 3 सीट्स होंगी विच विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। बट डोंट थिंक कि भाई 60 में से 3 सीट ये चली गई और 57 बची। नो, दीज आर सुपर न्यूमरी सीट्स। मतलब अगर कॉलेज का इनटेक 60 सीट्स का है, तो उनको ये 3 सीट्स उसके ऊपर मिलेगी। सो इन ऑल 63 सीट्स वो होती है। ऑल्सो एक और चीज आप समझिए कि आप अगर TFWS लेते हो, तो जो भी आपकी ट्यूशन फी है, दैट विल बी वेव्ड ऑफ। यानी ऐसी कोई भी फी जो आप कॉलेज को पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फी, वो आपसे नहीं ली जाएगी। बट ओवर एंड अबव दैट, से कॉलेज का अपने जो दूसरे कुछ अगर फी वो चार्ज कर रहे हैं, जैसे उनके उनके इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए वो चार्ज करते हैं, या उनकी दूसरी फैसिलिटीज के लिए वो चार्ज करते हैं, तो वो सारी फीस वो भी एप्लीकेबल होती है, आपको वो वेव ऑफ नहीं की जाती है। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना जरूरी है कि एडमिशन प्रोसेस में व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ TFWS सीट, अगर वो सीट आपको मिलती है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू स्टिक टू दैट ऑप्शन, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो दूसरी जो सीट्स आपको नॉर्मल सीट जो अलॉट होती है, उसमें आपके पास ये प्रोविजन होता है, लेकिन TFWS में ये नहीं होगा। ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है। और नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, यू विल फाइंड दिस इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, टेक्नोलॉजी कोर्सेज, फार्मेसी, डिजाइन एंड प्लानिंग, वहां पर ये सारे सीट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट डज दिस मीन कि एवरी स्टूडेंट हु इज अप्लाइंग फॉर एडमिशंस, हर कोई TFWS ले सकता है? नो, देयर इज अ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल। वो क्या? वो ये, पहले तो You have to be a Maharashtra state candidate. आपका जो admission हो रहा है वो MHT-CET के through हो रहा है, which is used only for admissions to colleges in Maharashtra. So आप अगर Maharashtra के student हो तो ही आप ये seat ले पाओगे। So अगर आप सोचते हो कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैं मुंबई के किसी college में मैं TFWS की seat ले लूं, No. See, India का जो JEE कोटा है उसके थ्रू ऑल इंडिया सीट्स में से आप ले सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक द TFWS सीट इफ यू आर नॉट से फ्रॉम महाराष्ट्र। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ओनली दो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम, व्हेन आई से फैमिली इनकम मतलब द इनकम दैट बोथ द पेरेंट्स रिसीव प्लस एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स जैसे रेंट, ये सब मिला के एनुअली 8 लाख से कम होना जरूरी है, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज सीट्स। नाउ व्हेन यू अप्लाई फॉर दीज सीट्स, यू विल नीड टू कीप अ डॉक्यूमेंट रेडी कॉल योर इनकम सर्टिफिकेट, जो ये प्रूव करता है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है।
अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर दिस सीट। तो प्लीज अगर आप TFWS सीट अप्लाई करना चाहते हो, आप वो एडमिशन राउंड्स में लेना चाहते हो, तो जस्ट मेक श्योर दैट योर इनकम सर्टिफिकेट इज इन प्लेस। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये दो कंडीशंस है जो आपने फुलफिल करनी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मैं कैसे TFWS की सीट मांग सकता हूं? हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस? सी होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अब यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये मुंबई का अंधेरी का एक इंस्टीट्यूट है। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं इस कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपके लिए उस ब्रांच का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक चॉइस कोड दिया गया। ये जो चीज आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये होता है सीट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। So once the admission process starts, the government will issue this seat matrix, जहां हर कॉलेज में का ये आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होता है कि अगर राजीव गांधी कॉलेज में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो आपको ये चॉइस कोड फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां देखें, ये देखिए यहां पर एक और कोड दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो दिस कोड इज एंडिंग विद दिस लेटर टी। ये आपका TFWS का कोड है राजीव गांधी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप राजीव गांधी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में TFWS लेना चाहते हो तो दिस इज व्हाट इज योर कोड फॉर यू। हाँ, सपोज आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ये सोच रहा है कि चलो मैं ना राजीव गांधी कॉलेज में TFWS के लिए अप्लाई करूंगा, वो मिला तो ठीक, वो नहीं मिला तो भी नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट मिलेगी तो भी चलेगा। इफ यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, तो आपको पहले TFWS का कोड डालना पड़ेगा और बाद में ये कोड डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट बोथ द कोड्स इन योर फॉर्म। ऐसा नहीं होता कि अरे TFWS में आपने मांगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो नहीं मिला तो नॉर्मल सीट में से आपको दे दिया। ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू पुट इन बोथ द कोड्स, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अगर हम एक और कॉलेज का एग्जांपल ले लें, ये है आपका थड़ोमल शाहनी इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये थड़ोमल शाहनी जो है ये आपका माइनॉरिटी कोटा है इस कॉलेज में, राइट? सिंधी माइनॉरिटी है, लेकिन इसमें भी इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ माइनॉरिटी कॉलेज और नॉट, आपकी TFWS की सीट होती ही है। ये रहा आपका TFWS का कोड, ये रहा आपका थड़ोमल शाहनी का से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोड। सो यू विल हैव टू पुट इन दीज कोड्स। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी इफ यू विश टू अप्लाई फॉर TFWS सीट्स ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज आपके पास होते हैं, कुछ भी कमेंट्स आपके पास होते हैं, फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ हेल्प। फॉलो अस ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम वेयर वील कीप अपडेटिंग यू अबाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।